दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कन्या लव राशिफल अगस्त 2024। अगस्त का महीना कन्या राशि वालों, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। कन्या राशि वालों, आपकी लव लाइफ जाने उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा यह लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों ग्रहों की स्थितियां जो आपके जीवन में बदलाव लेकर आती हैं, और हर महीने ग्रहों की स्थितियां जो बदलती हैं वही आपके महीने में बदलाव लेकर आती हैं। तो इस अगस्त के महीने में क्या बदलने वाला है आपके जीवन में, ये जानेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहेगी, लव लाइफ में क्या होने वाला है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या हो सकता है, और मैरिड लाइफ में क्या होकर रहेगा, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके साथ में क्या होने जा रहा है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे तीन राशियों के नाम। अगर उन तीन राशियों में से किसी एक राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए ये महीना शुभ रहेगा, लकी रहेगा। आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में, यानी कि ग्रहों की स्थिति कितनी बदल रही है, और फिर उस आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या बदलने वाला है। तो पहली स्थिति सूर्य की बदलेगी, सूर्य 16 अगस्त को सिंह राशि में जाएंगे, 22 अगस्त को कर्क में बुध की वापसी होगी, और 24 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में अपनी नीच राशि में चले जाएंगे, और 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में चले जाएंगे। ये परिवर्तन है अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने को बदलने वाले ग्रह अधिकतर महीने के लास्ट में, यानी कि महीना जो 50% है उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है, और बाकी आधा महीना बदलावों से भरा है। तो अभी वर्तमान की स्थिति अगर देखी जाए तो लव लाइफ में भी, आपकी मैरिड लाइफ में भी, और इन जनरल अगर आपको हम बताएं शॉर्ट में, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति बनी हुई है। राहु की वजह से कंफ्यूजन, गलत डिसीजन और नेगेटिविटी बहुत भरमार है आपके जीवन में, नेगेटिविटी की। लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, और आप कुछ भी कह रहे हैं आपके पार्टनर को तो उन्हें उनका ईगो हर्ट हो जा रहा है। ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं हर रिश्ते में चल रही हैं, लेकिन इस महीने क्या होने वाला है ये जानकारी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जो सिंगल हैं उनकी। एक जानकारी और आपको दे दें, सावन का महीना 19 अगस्त तक है, 22 जुलाई से प्रारंभ होकर के 19 अगस्त तक सावन का महीना है। तो अगर आप चाहते हैं सावन के महीने में आप हमारे यहाँ पर अपनी किसी समस्या के लिए रुद्राभिषेक करवाएं, तो रुद्राभिषेक का आयोजन हमारे यहाँ हर वर्ष होता है, आपको पता है इस बार भी हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं सावन के सोमवार में या सावन में रुद्राभिषेक कराया जाए तो चार्जेस भी आपके सामने हैं, आपको पता चल ही गया होगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है। और आपके पास में अगर ये राशि उपलब्ध है और आप चाहते हैं कराना तो नाम, गोत्र और समस्या भेज करके व्हाट्सएप पर, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज करके बुकिंग करवा सकते हैं। आपको रुद्राभिषेक की फ़ोटोज़ वीडियोज़ मिलेंगी, और अगर आप सिद्ध धागा वाला बुकिंग करवाते हैं तो आपको बाय कोरियर सिद्ध धागा भी दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब जानकारी देते हैं अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए स्थिति क्या है। देखिए आपके राशिपति बुध बनते हैं और बुध 22 अगस्त को कर्क में वापसी कर रहे हैं, जो इस चीज़ को दिखाते हैं कि सिंह से कर्क में आना बुध के आपसे लोग बात करेंगे, बातचीत तो आपकी लगातार होगी और इस पूरे महीने में होने वाली है। बुध बदलें ना बदलें उससे भी कोई बदलाव नहीं, बल्कि यहाँ पर बुध की दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए श्रेष्ठ हैं, यानी कि आपसे कोई ना कोई बातचीत तो करेगा, और जब बातचीत होती है तो या तो दुश्मनी होती है, दोस्ती होती है, नॉर्मल कुछ होता ही नहीं है। और यहाँ पर शुक्र की स्थिति देखना जरूरी है, क्योंकि शुक्र आपके द्वितीय बनते हैं। शुक्र का गोचर 24 अगस्त तक सिंह राशि में रहेगा, जो कि इस चीज़ को दिखाता है कि आप जितना खर्चा करेंगे उतना ही कोई व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जब ये कन्या में आएंगे तो ये संभावना है कि अगर आपने 1 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक
पैसा बहाया, उस व्यक्ति के लिए कुछ किया, फाइनेंशली कुछ भी उसके लिए किया, तो निश्चित रूप से वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। अब बात ये होती है कि सुंदरता आपकी जो है उससे अट्रैक्ट हो रहा है या आपके पैसे से अट्रैक्ट हुआ है। देखिए, कोई भी व्यक्ति रिलेशनशिप में जाता है तो अच्छी अच्छी बातें तो हर कोई करता है, लेकिन आपको ये जो व्यक्ति मिलेगा ये व्यक्ति बहुत अजीब बात कर रहा होगा। आप पैसा भी खर्च करेंगे लेकिन ये ऐंठ दिखाएगा, अकड़ दिखाएगा, और इसी वजह से आपको लगेगा कि औरों की तरह नहीं है, मीठा बन के आपको किसी तरीके से यूज नहीं कर रहा है, बल्कि इसे लगता है कि ये जो करता है वो जो भी है मुंह पर है, किसी तरीके का इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड नहीं है, इसका दोहरापन नहीं है इसके चरित्र में, इसके व्यक्तित्व में, इसलिए आप इम्प्रेस होंगे उससे। तो इसलिए वो आपके पैसे से नहीं, वो आपसे पहले से ही अट्रैक्ट होगा, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से खर्चे आपके इसलिए करवा रहा है कि आप जो है उसकी लाइफ में सच में कितने सीरियस हैं ये जानने के लिए वो आपकी परीक्षा ले रहा है। एक चीज़ ये भी है, बात यहाँ पर करें कि दोस्ती तो आपकी हो जाएगी, तो दोस्त बनाने के लिए, दोस्त अगर आप किसी को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पूरा महीना बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आप पुरुष हैं तो आपको किसी भी महिला से अगर आपको दोस्ती करनी है तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, वो महिला आपसे उम्र में बड़ी ना हो। और अगर आप महिला हैं और आप किसी महिला के साथ में ही, यानी कि आप लेस्बियन इत्यादि हैं, तो वहाँ पे अगर आप संबंध बनाने की सोच रही हैं या उससे दोस्ती करने की सोच रही हैं तो ये आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है। यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है इन दो बातों की। अगर वन साइड लव करते हैं आप, तो उस स्थिति में आपके लिए मंगल तृतीयेश बनते हैं और चतुर्थेश बृहस्पति बनते हैं। मंगल नवम भाव में द्वादश से संबंध बना के, तृतीय से संबंध बना के, चतुर्थ संबंध बना के ये दिखाते हैं कि वन साइड लव जिससे है उससे झगड़े भी होंगे, लेकिन वो झगड़े किस वजह से होंगे ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। झगड़े इस वजह से होंगे क्योंकि कोई व्यक्ति होगा, कोई थर्ड पार्टी होगी, और उस व्यक्ति की वजह से आप दोनों का वन साइड लव हो सकता है, वो किसी और को पसंद करते हैं, उस वजह से दिक्कत हो, झगड़े हो, बहस हो, लेकिन आगे बात नहीं बन पाएगी। और अगर आप वन साइड लव करते हैं तो आपको अपने प्यार का इजहार या फिर प्यार का दिखावा करने से बचना चाहिए। उनको समझ नहीं आ रहा है आपकी बातें, ना ही समझ आएंगी इस महीने, तो कोशिश करें किसी भी ऐसे चक्कर में ना पड़ें। और एक चीज़ यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके ऊपर आरोप भी लगा सकते हैं वो, कि आप तो सिर्फ मैं इतनी सुंदर हूँ इसलिए पीछे हो, या मेरे पास इतना पैसा है इसलिए मेरे पीछे आ रहे हो। इस तरह की चीज़ें वन साइड लव में आपको सुनने को मिल सकती हैं, जो आपको हर्ट कर सकती हैं, और महीने के लास्ट में ऐसा हो सकता है। आपके अब लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में पंचमेश शनि षष्ठम में लगातार गोचर कर रहे हैं, जो इस चीज़ को दिखाते हैं कि आप प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, लेकिन बातें रोज थर्ड पार्टी की होती हैं। नॉर्मली शनि तो बाधक बने हुए हैं आपकी लव लाइफ में, जहां आप प्यार के बाद में आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर बढ़ नहीं पा रही हैं। चीज़ें आगे बढ़ाने का मतलब है, जब कोई प्यार करता है तो उसका अंतिम जो लक्ष्य होता है या फिर आगे की जो प्रक्रिया होती है वो लव मैरिज होती है, तो लव मैरिज के लिए एक बाधक बना हुआ है शनि। तो अभी तो लव मैरिज का जितना भी प्रयास कर लें, आपकी लव मैरिज होने में बहुत बड़ा बाधक है। अब ये बाधक है और बाधाएं जो हैं वो नष्ट भी की जा सकती हैं लड़ के, झगड़ के, संघर्ष करके, क्योंकि शनि संघर्ष है। शनि आपके लिए कांटों भरा रास्ता है जो मैरिज तक जाता है, तो उन कांटों भरे रास्ते पे चल रहे हैं तो कष्ट तो होगा। तो लव लाइफ कष्टमय है और पूरा महीना कष्टमय इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके पार्टनर का दोस्त आपको बदनाम कर सकता है, आपके बारे में आपके पार्टनर के मन में कुछ बातें डाल सकता है या फिर आपके बारे में कुछ अफवाह उड़ा सकता है, तो पार्टनर का दोस्त आपको बदनाम कर सकता है। ये स्थिति निकल के आती है शुक्र की वजह से, और शुक्र की वजह से आपके ऊपर आरोप लगाए जा सकते हैं, तो लव लाइफ में ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है। शुक्र जब बदल जाएंगे तो इससे एक चीज़ और होगी
कि वो एहसान फरामोश हो जाएंगे, आपके पार्टनर भी, आपने उनके लिए क्या किया क्या नहीं किया सब एक तरफ, बस वो दूसरे की कही हुई बातें उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी, ये आपके लिए भी कष्टदायक हो सकता है। अगर हम बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बातचीत होने की प्रबल संभावना है और पार्टनर से बातचीत तो हो जाएगी, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, उस पर आपको भरोसा बहुत अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको पूरी तरह से लॉयल भी दिखाई नहीं देगा। और इस महीने के लास्ट में अगर फिजिकल होने के लिए बहुत फोर्स करे आपका पार्टनर वापस आ करके, तो बिल्कुल मत होना, क्योंकि वो ज़्यादा चांस है कि वो डबल गेम खेल रहा है। तो यहाँ पर स्थिति कहीं ना कहीं इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जिन लोगों की इच्छा है कि उनसे कम से कम बात होने लगे, तो वो होने वाली है। अब बात करेंगे मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में बड़ी खुशखबरी मिलेगी, बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, अच्छी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी, लेकिन एक चीज़ आपकी देवरानी या आपकी कोई जेठानी भी हो सकती हैं, लेकिन फैमिली में आपके ससुराल पक्ष में, खास करके अगर आप महिला हैं, तो आपको वो बदनाम करने की या आपके हस्बैंड को आपकी तरफ भड़काने की कोशिश कर सकती हैं। तो ऐसी चीज़ों में आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, आपको अपने हस्बैंड से झगड़ना नहीं है, बल्कि उनके सामने प्यार से सारी चीज़ें समझाना है। सवालों से जितना भागेंगे, अपने हस्बैंड के सवालों से जितना भागेंगे, उतना ज़्यादा उनका गुस्सा आप बढ़ाएंगे। बहस होगी और बहस से नतीजा कुछ नहीं निकलता है, इसलिए प्यार से अगर समझाएंगे तो सब समझ आएगा उन्हें। और यहाँ पर मैरिड लाइफ में शुक्र जब परिवर्तन करेंगे और 24 अगस्त से कन्या राशि में जाएंगे, राहु की दृष्टि है, जो इस चीज़ को भी दिखाती है कि अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था या है, तो उसकी पोल खुल जाएगी। कहीं ना कहीं आपके सच से कहीं ना कहीं पूरी तरह से अवगत हो जाएंगे पार्टनर, आपके पति, आपके हस्बैंड जान जाएंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप हकीकत में उनके लिए क्या सोचते हैं या फिर आपकी सच्चाई क्या है, ये भी वो जान जाएंगे। और इस वजह से 24 अगस्त के बाद में संभावना ये है कि आपके पार्टनर आपसे दूर दूर रहने लगें, वो आपके बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपको कुछ बोले ना, वो आपको कुछ भी आइडिया ना दें कि उन्हें पता क्या लग गया है, बस आपको ये दिक्कत होगी, ये तकलीफ़ होगी कि आखिर उन्हें हो तो हो क्या गया है, लेकिन कुछ बातें उन्हें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी अगर आपका एक्स्ट्रा अफेयर या आपने चीटिंग की है तो। और आपकी ये भी संभावना हो सकती है कि आप अपने एक्स पार्टनर से बातचीत करते हैं और आपको लगता है वो कोई गलत नहीं है, कि मैं फिजिकल थोड़ी हो रही हूँ, तो बस केवल नॉर्मल बातचीत होती है हमारी, तो उससे भी कहीं ना कहीं पार्टनर को दिक्कत होगी, लेकिन वो नहीं कहेगा, इसलिए नहीं कहेगा, उसे पता है कि आप कभी बदलने वाले नहीं, कभी सुधरने वाले नहीं, इससे अच्छा चुप ही रहते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, तो एक्स्ट्रा मैरिटल में जो लोग हैं, मंगल आपके अष्टम से द्वितीय रहेंगे नवम में, इस बीच में स्थितियां झगड़े की, बहस की बनेंगी, बार बार एहसान जताएंगे आपके पार्टनर आप पर, मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करती हो या कुछ नहीं करते हो, बहुत तरह की बातें करेंगे, और ये आपके लिए काफ़ी सैड मोमेंट हो सकते हैं, आपके लिए काफ़ी स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जहां आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि कितने गलत इंसान से मुझे मोहब्बत हो गई है, और ये इमोशनल अटैचमेंट आपको खाए जाएगा। मंगल बदलेगा तो स्थितियां थोड़ी सी बदल जाएंगी, जहां आपको कोई हो सकता है नया व्यक्ति मिल जाए जिससे आपको अच्छा लगे बात करके, अफेयर हो जाए उससे, या फिर उसी व्यक्ति के साथ में चीज़ें थोड़ी सही हो जाएं। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एक चीज़ ज़रूर है कि आपके पार्टनर फिजिकल नीड के लिए बार बार कहेंगे और आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं, इस पूरे महीने बनने वाले हैं, लेकिन इस बीच में आपके अगर फिजिकल बनाने का आपका खुद भी मन है तो 26 अगस्त के बाद में करिएगा, उससे पहले अगर करते हैं तो हो सकता है कि आपकी कहीं पोल खुल जाए या दूसरे लोगों को, तीसरे लोगों को पता चल जाए आपके बारे में, और यह आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा खराब रहे। जो लोग लिव इन में रहते हैं उनके लिए बदनामी के लिए
और ख़ास करके सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल लाइफ दिखाते हैं, लिविन में रहते हैं, तो कोई बड़ा कलंक एक दूसरे पर लगा सकते हैं, पार्टनर का बहुत बड़ी एक दूसरे से कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो पब्लिकली आप बेइज्जत हो सकते हैं, ये स्थिति है। दोस्तों यह था आपका लव राशिफल। अब जानते हैं तीन राशियों के नाम। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि है तुला राशि और तीसरी राशि है मकर राशि। अगर आपके इन राशियों के पार्टनर हैं तो आपके लिए महीना लकी रहेगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।